प्रखंड के अंतर्गत दियारा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घरों में पानी घुस जाने के बाद लोग अब बांध पर शरण लेकर गुजारा कर रहे हैं। प्रशासन की गाड़ियां आने पर उम्मीद भरी निगाहों से टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि शायद उन्हें कोई राहत मिल जाए। मांझा प्रखंड बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किए जाने से दियारा वासी निराश हैं। उनका कहना है कि पिछले एक सप्ताह से घरों में पानी घुस गया है। वे जान माल के साथ बांध पर आकर शरण लिए हैं, लेकिन एक अदद पॉलिथीन तक नहीं मिल सका है। वही खाने के रूप में सत्तू का सहारा है। सबसे अधिक परेशानी छोटे बच्चों वो बुजुर्गों को हो रही है। बुजुर्गों का कहना है कि सरकार द्वारा इस बार कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस बार ना तो आश्रय स्थल बना है और ना ही सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। मांझा प्रखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वही सलादपुर के समीप बांध पर बैठे लोगों का कहना था कि पहले ही कोरोना की वजह से वे परेशानी में थे, अब बाढ़ ने उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ज्ञात हो कि मांझा प्रखंड में 8 गांव के करीब 6000 की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। लोगों में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए भी मन में गुस्सा है। उनका कहना है कि दुख की इस घड़ी में उन्हें कोई भी देखने नहीं आता है। मांझा को जब तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इस संबंध में बात करने पर अंचल अधिकारी शाहिद अख्तर ने बताया कि बाढ़ प्रभावित गांव का आकलन कर जिला को रिपोर्ट भेजी जा रही है। गौसिया पंचायत अभिनय पूछे छवा बाढ़ हो गए हमी के हालत खराब केहू कुछ भैया नहीं थे ना केहू नेता बने केहू सरपंच मुखिया बा केहू कुछ नहीं थे हम खाली पर बिना खाइए लोग बा छत पर रह के गुजर कर लेता है कुछ मिलत नहीं है जो खाई जाए कैसे बनावल जा। हाँ, बाढ़ पीड़ित लोग आकर के ठहरे हुए हैं, जो सभी लोग निमुइया पंचायत से और कुछ लोग गौसिया पंचायत से भी यहाँ आकर रुके हुए हैं। लोगों का कहना है कि घर पानी में डूब गया है, वहाँ सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि पिछले बार पॉलीथीन भी कम से कम मिला था लोगों को, ताकि बांध पर रहने का साधन था, लेकिन इस साल पॉलीथीन भी सीओ साहब के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये प्रशासन की और सरकार की नाकामी है और जनप्रतिनिधि भी इस मामले में जागरूक नहीं है। लोग काफ़ी परेशान हताश हैं और लोग धूप के नीचे बारिश में खड़े हैं, बैठ करके गुजारा कर रहे हैं, पेड़ के नीचे रह करके अपना दिन काट रहे हैं, लेकिन सरकार को या प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। स्थानीय प्रशासन इस मामले में विफल है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस मामले में अब तक लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लोगों को अब तक मांझा प्रखंड को जो है बाढ़ पीड़ित बाढ़ग्रस्त घोषित भी नहीं किया गया है, जिसके चलते सारी परेशानी हुई है। बाढ़ग्रस्त जब तक घोषित नहीं किया जाएगा लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो जब बैकुंठपुर को किया जा सकता है, गोपालगंज में लोगों को सुविधा मिल सकती है, तो यहाँ कम्युनिटी किचन पॉलीथीन और बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए ताकि जो आपदा राहत की राशि है लोगों को मिलेगी, लेकिन अब तक लोगों को कुछ नहीं दिया गया है और यह स्थानीय प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन जो है लोकल वो सही रिपोर्ट जिला तक भेज नहीं रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। तो स्थानीय प्रशासन इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज़, मांझागढ़, बिहार।